गया पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहां जीतन राम मांझी ने शराब निर्माण वाले अपने बयान पर सफाई दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह चुनावी मामला है और वे जनता के हित की बात करते हैं। गुजरात में शराबबंदी का उदाहरण देते हुए मांझी ने कहा कि वहां शराब बंद है लेकिन वहां कोई हल्ला या हंगामा नहीं होता, लेकिन जिस तरह से बिहार में शराबबंदी के बाद 5 लाख लोगों को जेल भेजा गया है उसमें 3.5 लाख लोग वैसे हैं जो मजदूरी करके आते हैं और कुछ शराब पी लेते हैं, उनको जेल में भेज दिया गया है या उनसे जुर्माना लिया जाता है। साथ ही शराब निर्माण वाले बयान पर भी जीतन राम मांझी ने कहा कि वे शराब नहीं पीते लेकिन बड़े बड़े अधिकारी देर रात शराब का सेवन करते हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। लोग अपने से अपन पीड़ा कहलन, ओकर बाद अपने कहले कि अब जब कोई बालू दारू और ताड़ी पे प्रतिबंध हटावे उसी को वोट दे, इसकी कोई योजना रणनीति है या ये सियासी चाल? देखिए ये चुनावी मामला है, हम जनता के हित के लिए बात करते हैं। आज गुजरात में दारू बंद है लेकिन किस प्रक्रिया से वहाँ बंद है, कोई हल्ला हंगामा नहीं है। दूसरे स्टेट में भी खुला ऐसा नहीं चल रहा है, बगल में झारखंड में भी है, आप देखते हैं कि दारू पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ 5 लाख लोगों को जेल में भेजा गया है उसमें 3.5 लाख वैसे लोग हैं जो मजदूरी करके आ रहे थे, अब पावर शराब पी लिया हो उनको जेल में भेज दिया है या उसे जुर्माना दिया है, न जुर्माना दिया है तो जेल का सजा काट रहा है। तो ये अनर्थ है, ऐसे कानून नहीं चाहिए, यही मैंने कहा है बंद हो। हम तो उदाहरण देते हैं कि जीतन मांझी 79 ईयर्स का है, इसके घर में दारू चुवाए जाते थे, बेचे जाते थे, लेकिन हम लोग मना किया पिताजी को, वो मान गए तो हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हुआ और जीतन मांझी आज यहाँ है, इसलिए दारू लोग नहीं पिए। और सही है कि बहुत लोग इंसान लोग हैं सब दारू नहीं पीते हैं, लेकिन सही बात है कि रात में आप जो बड़े बड़े अफसर, चाहे IAS हो, IPS हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, ठेकेदार हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, इंजीनियर हो या मंत्री हो या MLA हो, ये सारे लोग 10 बजे के बाद ब्रांडेड दारू पीते हैं लाखों रुपया का, और उन लोग को कोई दुनिया जानती नहीं है। हम यही कहते हैं गरीबों को कि सीखो उन लोगों से, और उस प्रकार से अगर है तो पावर तुम दारू पीते हो, दारू तुमको मिलेगी नहीं, लेकिन जो भी पीते हो 10 बजे रात के बाद पियो, रात में सो और सुबह में अपना काम करो। कहने का मतलब इस प्रकार की व्यवस्था जो सरकार करे या जो इस प्रकार की व्यवस्था का ये षड्यंत्र दे वो उसी को दो। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।